Good morning, all of you students. Yesterday we had understand and do exercise 3.4, question number 1, C and D in math. Today in math we will understand and do exercise 3.4, question number 1, E to F. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. जो हमें इक्वेशंस दी है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है. क्वेश्चन नंबर 1 का ई में हमें दिया है 4245 - 2646 - 589 - 674. इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में ही, ए टू डी तक. आज फिर हम ऐसे ही करेंगे. देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे. जैसे कि प्लस साइन वाले एक साथ ऐड करेंगे और माइनस साइन वाले एक साथ ऐड करेंगे. फर्स्ट नंबर हमें दिया है 4245, ये नंबर हम का साइन हमें क्या दिया है, प्लस. सेकंड नंबर 2676 का साइन माइनस है, 589 का साइन भी माइनस है, एंड 674 का साइन भी माइनस है. यानी कि हमारे पास एक नंबर प्लस का है और बाकी 3 नंबर्स हमारे पास सेम साइन माइनस के हैं. तो हम सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे. तो हम ऐड करेंगे 2676, 589 and 674. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम पोजीशंस लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. अब हम नंबर्स लिखेंगे जिन्हें हमें ऐड करना है. फर्स्ट नंबर 2676, ये मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है. सेकंड नंबर 589 एंड फोर्थ नंबर 674. अब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम किस पोजीशन के डिजिट को ऐड करेंगे, बताइए. आप इतनी बार ऐड कर चुके हैं, हम सबसे पहले वंस पोजीशन के डिजिट को ऐड करेंगे. तो ऐड करते हैं, 6 में 9 प्लस करेंगे 15, 15 में 4 प्लस करेंगे 19. तो 19 का 9 हम नीचे जो स्पेस दिया है यहाँ पर लिखेंगे, और टेंस का 1 हम कैरी लेंगे टेंस पोजीशन पर. अब टेंस पोजीशन के डिजिट को ऐड करेंगे, 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 में 7 ऐड करेंगे 22, 22 में 1 कैरी ऐड करेंगे 23, तो 23 का 3 हम नीचे लिखेंगे और 2 हंड्रेड्स पर कैरी लगाएंगे. अब हंड्रेड्स पोजीशन की डिजिट को ऐड करेंगे, 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 11 में 6 प्लस करेंगे 17, 17 में 2 कैरी प्लस करेंगे 19, तो 19 का 9 नीचे लिखेंगे स्पेस में और 1 हम कैरी लगाएंगे थाउजेंड्स पर. 2 में 1 कैरी प्लस करेंगे 3, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3. तो इन नंबर्स को ऐड करके हमारा सम्स आता है 3939. नाउ सब्ट्रैक्ट, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा सम्स आया है उसमें से उसे, और जो क्वेश्चन में डिजिट हमारे पास बची थी अलग साइन वाले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचा है तो हम इस नंबर को सम्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो नाउ सब्ट्रैक्ट, पहले पोजीशंस लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है
4245 from 3939 अब हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करते हैं वंस पोजीशंस के डिजिट को, 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इधर से 110 बोरो लेंगे, 110 प्लस 5 ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा कि बताइए कितना रिमेनिंग बचेगा 15 में से 9 माइनस करने पर 6, तो हम नीचे जो स्पेस दिया है यहां पर लिखेंगे 6, 10th पोजीशन के 4 से हमने 110 बोरो लिया था तो यहां पर रिमेनिंग हुआ 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 100th पोजीशन के डिजिट को सबट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1000th पोजीशन के फर्स्ट डिजिट 4 से 110 बोरो लेंगे तो 110 प्लस 2 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 12 में से 9 माइनस करने पर रिमेनिंग होगा 3, नीचे लिखेंगे 3, 4 से 110 बोरो लिया था तो यहां पर रिमेनिंग हुआ 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ यहां पर 306, सो सिंपलीफाइड फॉर्म इज 306, तो ऐसे आप एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का ई एंड एफ अपनी नोटबुक में करेंगे।